नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले में लगातार मिल रही अवैध शराब की शिकायतों के बाद एसपी अवधेश गोस्वामी ने शहर की शराब दुकानों की औचक पड़ताल की। एएसपी मुकेश वैश्य के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की टीम अलग अलग शराब दुकानों में स्टॉपर लगाकर निरीक्षण किया। इस दौरान देसी शराब की दुकान से शराब बोतल में सील लगाने वाली मशीन भी जब्त की है। शहर के कई दुकानों में औचक जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारियों को देख हड़कंप की स्थिति बन गई थी। शहडोल जिला मुख्यालय में खुलेआम शहर के बीचों बीच गुमटियां पान ठेलों से बेची जा रही शराब और खुलेआम शराब पीने की खबर के बाद पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गया और बीती रात्रि एएसपी मुकेश वैश्य अपने दल बल के साथ शहर के संचालित अवैध शराब दुकान और पैकरियों पर दबिश देकर कार्यवाही की है, जिससे शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान बुढ़ार रोड स्थित देसी शराब दुकान से पुलिस ने बोतल पर सील और रैपर लगाने वाली मशीन भी जब्त की है। बाद में पुलिस ने यहां से एक कर्मचारी को पूछताछ के लिए ले गई। दुकान में नकली शराब खपाने की भी आशंका जताई जा रही है। उधर आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने आहतों पर भी दबिश दी। शराब दुकान के बगल में चल रहे अवैध आहतों को बंद कराया गया। कल थाना कोतवाली और थाना सोहागपुर और ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलके अचानक शहर के अंदर शराब की दुकानें और उनके हाथों को आकस्मिक रूप से चेक किया गया है और वहां पर स्टॉपर लगा के वाहन की चेकिंग भी की गई है। संदिग्ध वाहनों को, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया है और इस दौरान जो है शराब की दुकानों और हाथों में कुछ गड़बड़ियाँ भी पाई गई हैं, उनके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की गई है और एक दुकान से जो है वो रेपर लगाने के कुछ सामान और कुछ रेपर लगाने की मशीनें भी जब्त की गई हैं और उस संबंध में पुलिस की जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में आबकारी विभाग से भी अभिमत लिया जा रहा है और आने वाले समय में भी आकस्मिक रूप से शराब की दुकानों में, हाथों में और उनके आसपास संदिग्ध वाहनों की, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी।